Hello friends, welcome to Targeting Goals channel, and in this channel we are discussing about computer, and in this lecture we will discuss about generation of computer. So this lecture will be in Hindi and also in English. So yadi Hindi ke hain tab bhi aap samajh sakte hain, and agar aap English भाषा को समझ रहे हैं तो उसको भी आप समझ सकते हैं. तो जब कंप्यूटर इजाद हुआ, उसकी स्टार्टिंग हुई, तो उसको हम जनरेशंस में बांटते हैं कि फर्स्ट जनरेशंस के कंप्यूटर कैसे थे, एंड फिर इसके बाद के जो कंप्यूटर्स हुए, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, तो किस तरह से कंप्यूटर्स में बदलाव आया, चेंजिंग आई, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो कैसे बदला, एंड उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो कैसे बदली. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक जनरेशन का जो टेक्नोलॉजी है, उसका स्ट्रक्चर है, और उसमें जो खामियां है, जो उसके डीमेरिट्स एंड मेरिट्स है, तो वो किस तरह से बदले और बदल के आज के रूप में जो है हमारे सामने कंप्यूटर वो कैसा है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे. तो हम इसमें देखेंगे कि हार्डवेयर के हिसाब से कंप्यूटर्स कैसे बदले, मींस व्हाट वाज द हार्डवेयर यूजिंग इन फर्स्ट जनरेशन एंड आल्सो इन सॉफ्टवेयर, एंड आफ्टर दैट व्हाट वाज द स्ट्रक्चर एंड फिजिकल अपीयरेंस, उनका साइज जो था तो बड़ा कैसा था, छोटा था, एंड एप्लीकेशंस, उनके क्या उपयोग थे, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में हम उनका कहां ये उपयोग कर रहे थे, वेयर वी आर यूजिंग दैट टाइप कंप्यूटर्स which create in first generation, and इसके बाद में जो भी generation है उसको हमने कहाँ यूज किया, किस तरह से प्रयोग किया, और उनकी cost क्या थी. तो in first the first generation, तो first generation ये 1942-1956 first generation के जो computer है वो 1940 से 1956 के बीच में यूज हुए, और इनमें vacuum tubes यूज किए गए. अब ये वैक्यूम ट्यूब्स जो थे ये यूज किए गए एज ए सर्किट, जो कंप्यूटर्स में जो सर्किट्स यूज हो रहे थे तो वो वैक्यूम ट्यूब की तरह यूज हो रहे थे. वैक्यूम ट्यूब, ये फिगर्स देखिए, ये दिस इज अ वैक्यूम ट्यूब विच जनरेट मैक्सिमम हीट एंड टेक मैक्सिमम पावर, ये ज्यादा ऊर्जा लेता था और ये ज्यादा गर्मी उत्पन्न करता था. जैसे यदि आप 100 वाट का बल्ब जलाएं तो आपको वो ज्यादा हीट देगा, अपेक्षाकृत आप एक एलईडी जलाएं 5 वाट की, तो ये ज्यादा हीट देता था उस समय. और इसका जो हम मेमोरी की रूप में मेन मेमोरी के लिए जो यूज कर रहे थे, जैसे कि इस समय यूज कर रहे हैं हम रैम, तो उस समय हम यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम, ये मैग्नेटिक ड्रम उस समय मेमोरी की रूप में यूज कर रहे थे, और जो आउटपुट उससे जनरेट होता था आफ्टर गिविंग इनपुट एंड कैलकुलेशन परफॉर्मिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वी आर टेकिंग आउटपुट इन प्रिंट आउट, हम इसका जो यूज कर रहे थे प्रिंट आउट के रूप में आउटपुट गेन कर रहे थे, एंड इनपुट के लिए वी आर यूजिंग पंच कार्ड. पंच कार्ड इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि पंच कार्ड क्या था. ओके, सो दिस वाज द जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. सो अब उसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या यूज की जा रही थी, तो उस समय जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जा रही थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज में लिख के यूज की जा रही थी. मशीन लेवल लैंग्वेज मींस लैंग्वेज दैट डायरेक्टली रिकॉग्नाइज बाय द मशीन, जो मशीन के द्वारा डायरेक्ट रिकॉग्नाइज की जाए वो लैंग्वेज, एंड दैट टाइम the language and also in this time that language which called in machine language use 0 and 1 means वो जो लैंग्वेज थी उस समय मशीन लैंग्वेज, जो आज भी मशीन लैंग्वेज है, वो 0 और 1 के रूप में है, और 0 और 1 में ही उस समय इसमें प्रोग्राम लिखे जाते थे और उसी का हम प्रयोग करते थे, क्योंकि जो पंच कार्ड भी था अपना वो क्या 0 एंड 1 के फॉर्म में ही काम कर रहा था. पंच कार्ड में जो होल होता था दैट इज कॉल्ड 1 एंड 0, जहां पे अब्सेंस ऑफ होल दैट इज 0. सो वहां पर हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में 0 और 1 का यूज कर रहे थे, एंड
जो कंप्यूटिंग टाइम था वहां पे, अगर हम देखें कंप्यूटर का, कि कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस है उन इंस्ट्रक्शंस को वो कितने टाइम पे प्रोसेस कर रहा है, तो वो उस समय था मिलियन सेकेंड। ठीक है, मिली सेकेंड में उस समय वो कैलकुलेटिंग कर रहा था। इसके बाद यदि हम फिजिकल अपीयरेंस की देखें कि वो उसका जो फिजिकल साइज था वो कैसा दिख रहा था, तो वो एक लार्ज रूम, एक बड़े कमरे के आकार का था, और उसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे जिससे कि बहुत सारी हीट भी पैदा होती थी। उसके अंदर जाके काम करना होता था, कंप्यूटर के अंदर जाके उसमें कोई भी अगर हमें इनपुट देना है तो पंच कार्ड के माध्यम से इनपुट देना है तो उसके अंदर जाना पड़ता था, और वो हीट का समस्या हुई, हीट की होती थी उस समय। और जो उसकी एप्लीकेशंस थे, तो वहां पे हम मोस्टली साइंटिफिकली जो भी प्रोसेस करनी होती थी, जो वैज्ञानिक गणनाएं करनी होती थी, वहां पे हम इसका यूज करते थे। जनरली इसका कॉमन यूज उस समय नहीं होता था क्योंकि ये इतना बड़ा साइज का होता था, एक पूरा एक बड़े कंप्यूटर, एक कंप्यूटर एक पूरा लार्ज एक बड़े रूम के आकार का हो, फिर उसको यूज करना तो बहुत ही टफ हो जाएगा। और उस समय देखिए जो ये थे इस तरह के कंप्यूटर, तो UNIV, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रोगेटर एंड कैलकुलेटर, ये उस समय इस तरह के कंप्यूटर थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन का था, और फर्स्ट जनरेशन में जो इसका लार्ज साइज था और जो इसमें लैंग्वेज यूज की जा रही थी 0 एंड 1, तो दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर प्रोग्रामर्स। उस समय ये प्रोग्रामर के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि जो 0 1 में लिखेंगे तो उसका जो फाइंडिंग ऑफ एरर्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो एरर्स यदि हमें उसमें ढूंढना है तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वहां पे प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी। एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जब हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज करके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाया, इसके बाद में हमने यूज किया सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ये ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब को, और ये उसकी अपेक्षा कम हीट पैदा करने लगे। अब ये जो ट्रांजिस्टर्स थे, ये जब यूज हुए उसकी जगह, तो जो साइज है थोड़ा सा स्मॉल हो गया कंप्यूटर्स का, और ये थोड़ा सा फास्ट हो गए। जो उस समय उतनी ज्यादा एनर्जी यूज हो रही थी, तो उससे थोड़ा सा कम एनर्जी यूज होने लगी। और अभी भी इसमें जो हम यूज करते थे इनपुट के लिए, तो अभी भी वो पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर हमें उसका स्टोरेज करना है डाटा का, तो वहां पे हमने मैग्नेटिक टेप्स और ये मैग्नेटिक डिस्क का हमने प्रयोग किया, और आउटपुट के लिए हम प्रिंट आउट का अभी भी प्रयोग करते थे। ओके, तो ये देखिए ये ट्रांजिस्टर है जिसको हमने प्रयोग किया सेकेंड जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इफ इन दिस टाइम ए प्रोग्रामर वाज क्रिएट प्रोग्राम, तो अगर प्रोग्राम क्रिएट करता था कोई भी प्रोग्रामर, तो वहां पे वो असेंबली लैंग्वेज यूज करने लगा था। असेंबली लैंग्वेज यूज नेमोनिक कोड, नेमोनिक कोड लाइक दैट एड, इट मींस एडिशन, एंड SUB सब मींस सब्ट्रैक्शन, एंड आल्सो MULT मल्ट एंड डिवाइड डिवाइड। ओके, सो वहां पे हमने एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए सब ये कोड बना के रखे थे, और उनको हम नेमोनिक कोड्स कहते थे, और ये कोड यूज किए जा रहे थे असेंबली लैंग्वेज में जो कोई भी प्रोग्रामर यूज करता था। और इसके लास्ट स्टेज में हमने हालांकि यहाँ पे मशीन लैंग्वेज का भी, मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए यहाँ पे जब हम असेंबली लैंग्वेज से यूज करते थे, तो ये जो मशीन है, मशीन तो ADD को कुछ समझता नहीं था, लेकिन वहां पे हमने एक इसके बीच में असेंबलर लगाया होगा, असेंबलर दैट यूज फॉर कन्वर्ट निमोनिक कोड इनटू मशीन कोड। मतलब वो मशीन जो अपनी ये निमोनिक कोड है, इसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता होगा, तो दैट इज अ मीडिएटर कॉल्ड असेंबलर, असेंबलर का प्रयोग किया गया होगा। और इसके लास्ट टाइम में हमने हालांकि कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज कर लिया था। हाई लेवल लैंग्वेज इट मींस जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज विच आर यूजिंग इन दिस टाइम, तो वो जो अभी जनरली इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलचाल की भाषा में यूज कर रहे हैं विथ ग्रामर, सो
दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज व्हिच यूज बाय दैट टाइम. उस समय इस हाई लेवल लैंग्वेज का भी हमने प्रयोग कर लिया था, जैसे कि ये कोबोल है, फोर्टान है. ये कोबोल और फोर्टान इसके जो पहले के मतलब इनिशियली वर्जन थे उनका हमने प्रयोग फिर यहाँ पे किया था. और अब इसका जो कैलकुलेटिंग टाइम था वो माइक्रो सेकेंड हो गया, ठीक है. अब ये माइक्रो सेकेंड में गणना करने लगा, वहां मिली सेकेंड में करता था, यहाँ माइक्रो सेकेंड में करने लगा. इसके बाद जो इसका फिजिकल अपीयरेंस था, फिजिकल अपीयरेंस अपेक्षाकृत फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा छोटा हो गया, ये छोटे आकार के हो गए अब, क्योंकि हम एक एक वैक्यूम ट्यूब की जगह पे हमने कई कई ट्रांजिस्टर यूज कर लिए थे और वो उतना ही साइज कम हो गया, कंप्रेस हो गया और इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा सा कम यूज हो रहे थे. लेकिन अभी भी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें कि इनके प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहे थे, तो अभी भी हम इनका जनरली यूज नहीं कर पा रहे थे. अभी भी ये मोस्टली यूज हो पा रहे थे तो सिर्फ साइंटिफिकली वर्क के लिए या फिर विशेष कामों के लिए यूज हो पा रहे थे. और इनकी जो कॉस्ट थी वो भी इस समय ज्यादा थी, हाई थी काफी कॉस्ट. और इसमें अगर हम देखें तो ये पीडीपी 8 आईबीएम 1401 एंड सीडीसी 1604 ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो उस समय सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर बने थे. ओके, एंड आफ्टर दैट थर्ड जनरेशन. तो थर्ड जनरेशन देखिए कहां से हुई, 1946 टू 1971. Using in this time we are using integrated circuit IC. तो हमने रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर को किससे, IC से, इंटीग्रेटेड सर्किट से यूज कर लिया. और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट से ये साइज में छोटे थे थोड़ा सा, और ये सिलिकॉन चिप थी. सिलिकॉन चिप, ये सिलिकॉन इज मटेरियल विच इज सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर मीन्स जैसे कि अगर हम विद्युत धारिता के हिसाब से समझें कि जिसमें करंट फ्लो हो, ठीक है, तो वो कंडक्टर होता है. एक नॉन कंडक्टर हो गया जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, और एक सेमी कंडक्टर. तो सेमी कंडक्टर विच हैज मतलब दोनों के गुण रखता है, कंडक्टर्स के और नॉन कंडक्टर के. तो वो इस तरह का जो मटेरियल था सिलिकॉन, तो उसी सिलिकॉन से हमने चिप बनाई और उन्हीं चिप्स का हमने यूज कर लिया थर्ड जनरेशन में. और इससे क्या हुआ कि जो साइज था बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गया, बहुत ज्यादा छोटा साइज हो गया, और अब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही थी वो बहुत कम यूज होने लगी, और हीट भी बहुत कम उत्पन्न होने लगी, जिससे काम करना बड़ा सुगम हो गया. और इसी समय हमें कीबोर्ड का भी यूज हमने कर लिया और मॉनिटर का यूज कर लिया. थर्ड जनरेशन में हमने कीबोर्ड विच इज यूज फॉर इनपुट. देखिए फर्स्ट जनरेशन में हम लोग इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज कर रहे थे, सेकेंड जनरेशन में भी हम लोग पंच कार्ड यूज कर रहे थे, एंड आफ्टर दैट इन थर्ड जनरेशन वी वर यूजिंग कीबोर्ड फॉर इनपुट. जब हम थर्ड जनरेशन पे आए तो हमने कीबोर्ड का प्रयोग इनपुट करने के लिए डेटा यूज किया, और प्रिंट आउट लेते थे, या फिर हम जो मैग्नेटिक डिस्क होती थी, मैग्नेटिक टेप होता था, उनमें हमने डेटा को स्टोर करना शुरू कर दिया. तो ये देखिए, ये चिप है, ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इस तरह के चिप्स हैं जिनमें ये देखिए, आप यहाँ पे अगर देखें तो ये ट्रांजिस्टर्स हैं. तो एक एक चिप में हमने कई कई सारे ट्रांजिस्टर्स का यूज कर लिया. एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की यदि बात करें तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हमने यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया. एंड इन दिस जनरेशन वी डिस्कवर ऑपरेटिंग सिस्टम, वी आर यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन थर्ड जनरेशन. तो थर्ड जनरेशन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना शुरू कर दिया. एंड जो भी प्रोग्रामिंग की जाती थी वो हाई लेवल लैंग्वेज में की जाती थी. एंड हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे तो हम इसके मीडिएटर के लिए हम कंपाइलर और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर थे उनका मीडिएटर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे थे. और इसका जो कैलकुलेटिंग टाइम था वो नैनो सेकेंड हो गया, देखिए. और इसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही सरल हो गया. अगर हम देखें तो उनकी अपेक्षा जो इस समय इसका प्रयोग था या फिर इसका जो साइज था बहुत ही छोटा हो चुका था, जो जनरली अब हम यूज कर सकते थे इसका, और कई जगह पे यूज कर सकते थे, और इसको साधारण कामों के लिए भी अब
यूज किया जा सकता था, और ये थोड़ा सा चीपर हो गया, अब सस्ता हो गया ये पहले की अपेक्षा। ये था हमारा थर्ड जनरेशन, जिसमें हम अगर देखें तो IBM 370 और PDP 11, इसका ये थे इसके कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद में फोर्थ जनरेशन। अब देखिए फोर्थ जनरेशन में हमने यूज किया LSI एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, तो उस समय हम यूज कर रहे थे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसके साथ में हम यूज कर रहे थे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज हम इसमें कर रहे थे, और इसमें क्या था कि जो हम आईसी में उसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स को यूज कर पा रहे थे, हमने LSI और VLSI जब यूज किया तो हमने हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक एक बंच में हमने रखे, और उससे जो साइज हुआ और भी कंप्रेस हो गया। इसके बाद हम एक माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज करने लगे इसमें। तो माइक्रो प्रोसेसर्स क्या था, ये एक चिप थी जो कि पूरा कैलकुलेशन का जो काम था वो सारा का सारा काम इसी माइक्रो प्रोसेसर से होने लगा। अब माइक्रो प्रोसेसर ही इसका मेन थिंग हो गया, जिससे हमने सारी जो भी गणना है, कैलकुलेशंस है, इसके ही माध्यम से हमने शुरू किए करने। और इसी फोर्थ जनरेशन में जो इस समय के हमारे कंप्यूटर हैं, जिसे हम पीसी पर्सनल कंप्यूटर कर रहे हैं, विच आर यूजिंग इन कमर्शियल यूज एंड आल्सो यूज इन होम, के अपने घरों में जो हम यूज कर पा रहे हैं या फिर कमर्शियल यूज के लिए यूज हो पा रहे हैं, साधारण जो भी सारे कंप्यूटर्स हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो इसी फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं, इसी फोर्थ। और हम अभी भी जो सारा कुछ यूज कर रहे हैं, ये सब फोर्थ जनरेशन का ही है। एंड फोर्थ जनरेशन में हम लोग इंटरनेट का भी यूज कर रहे हैं, मीन्स हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से साधारणतया कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इन दिस टाइम वी आर यूजिंग इंटरनेट एंड एंड कंपनीज और अदर इंस्टीट्यूशंस यूजिंग इंटरनेट एंड आल्सो ईच पर्सन यूज इंटरनेट। सो इट इज यूज ऑफ फोर्थ जनरेशन, ये हमारे फोर्थ जनरेशन का प्रयोग है जो हमने इंटरनेट का, आज मोबाइलों में भी जो हम सारा कुछ प्रयोग कर रहे हैं ये सब की। एंड जो हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें, तो इनपुट डिवाइसेस में हम माउस है, हैंड हेल्ड जो भी डिवाइस है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये सारा कुछ हमने इसमें यूज किया। और आउटपुट के लिए जैसे प्रिंटर्स है, प्लॉटर्स है, ये सारा जो हम यूज कर रहे हैं इस समय, तो ये सब। ये देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर चिप है जिसका यूज हम कंप्यूटर में कैलकुलेशंस के लिए यूज कर रहे हैं। एंड अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो इन दिस टाइम वी आर यूजिंग GUI, ग्राफिक मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल मीन्स विथ पिक्चराइज। इसके पहले हम लोग डॉस यूज कर रहे थे, तो डॉस में क्या था कि उसमें विजुअलाइजेशन नहीं होता था, ग्राफिक्स नहीं यूज किया जाता था, सिर्फ वो एक काला काला कंसोल एक आता था और हम उसी पे काम करते थे। लेकिन अब हमने इसमें GUI का प्रयोग किया, जिससे जो भी हमें इंट्रक्शन है वो थोड़ा सा अच्छा हो गया। आज भी अगर हम कंप्यूटर में देखते हैं तो हम फिगर्स और कलर्स बहुत सारे इसमें यूज कर पाए। और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं इन दिस टाइम, वी आर यूजिंग C++, जावा, .NET, अदर लैंग्वेजेज हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारा हम इसी फोर्थ जनरेशन में कर पा रहे हैं। और जो इसका जो कैलकुलेटिंग स्पीड है, वो कंप्यूटिंग स्पीड है, वो अब हो गई पीको सेकेंड्स में हो गई। और ये अब अगर हम साइज की बात करें, तो आज अगर हमारे हाथ में एक पाम टाइप कंप्यूटर्स है, तो वो सारा इसी फोर्थ जनरेशन का ही है। आज मोबाइल से हमारे पास, तो ये सारा जो इसका यूज है, तो सब हम इसी प्रकार से हमने किया। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इंटेल ने अपना निकाला था, IBM ने अपने कंप्यूटर्स निकाले, तो ये सारे। अब IBM ने जो एक 1984 में कंप्यूटर निकाला था, तो साधारण वो यूज हो रहा था। मैकिनटॉश ने भी, एप्पल ने निकाला मैकिनटॉश, तो ये सारे यूज हो रहे हैं।
इसके बाद ये पोर्टेबल हो गया, रिलायबल हो गया, आज हम कंप्यूटर को एक अपने साथ में लेके कहीं भी आसानी से जा सकते हैं, तो ये रिलायबल हो गया बहुत ज्यादा। ये इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं यूज करता और ना ही बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न करता है। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विच इज इन दिस टाइम यूजिंग एंड आफ्टर वी विल यूज इन फ्यूचर। सो जो हम अभी आज यूज कर रहे हैं और हम जो फ्यूचर में यूज करेंगे, सो ये है हमारा फिफ्थ जनरेशन का। तो प्रेजेंट एंड नेक्स्ट मीन्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस दिन, और इस समय जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो यूज कर रहे हैं, मीन्स हम जैसी क्रिएटिविटी ह्यूमन में है ऐसी ही क्रिएटिविटी हम कंप्यूटर्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं इन दिस टाइम। पहले इसकी टेक्नोलॉजी देखते, तो इसमें देखिए SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, इनका यूज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज हो रहा है। इसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग मीन्स वी कैन एग्जीक्यूट मोर प्रोसेस इन वन टाइम। हम एक ही समय में कई सारी चीजें पैरेलल कर सकते हैं। जैसे आप अगर साधारण कंप्यूटर पीसी का यूज कर रहे हैं तो उसमें आप एक साइड एक मूवी भी चला सकते हैं, दूसरी साइड दूसरी एप्लीकेशन का रन कर सकते हैं। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग इसमें से यूज हो रहा है। और माइक्रो प्रोसेसर्स का तो हम यूज ही कर रहे हैं, जैसे अपना डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर्स है ये सारा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो मेन वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आज हम यदि अंतरिक्ष की चीजें भी देख पा रहे हैं, या अंतरिक्ष में जो भी कंप्यूटर्स जो भी रोबोटिक्स का यूज कर रहे हैं हम लोग, ये सारा कुछ हम इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर रहे हैं। और ये सारा जो फीचर्स है ये सब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का फीचर है हमारे पास। यदि आज हम लोग चंद्रमा में यहाँ से कोई भी एक रोबोट बना के भेजते हैं तो उसमें हम लोग अधिक से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, ताकि जो चीजें हम यहाँ पर साधारण रूप से कर रहे हैं यही चीजें हमारा कंप्यूटर वहां पे करे, चीजों को रिसर्च करे, सर्च करे, और वही चीजें हम यहाँ से देख सकें विदाउट ह्यूमन। वहां कोई आदमी नहीं है लेकिन वो भेज सकता है, ये सब कर सकता है। एंड अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से हम ये भी सोच सकते हैं कि आगे का जो ह्यूमन है वो अपनी पूरी पूरी रचनात्मकता इसमें डाले और डाल के आगे बहुत ही कुछ विशेष कर सकता है। तो ये फिफ्थ जनरेशन का जो टूल्स है। और आज अगर हम स्पीड की बात करें या फिर आज हम इसका एक स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, तो आज टेरा बाइट बहुत सारा हमारे पास स्टोरेज डिवाइस उपलब्ध है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को देखे कि किस तरह से कंप्यूटर का जनरेशन हुआ और किस तरह से एक तरह से दूसरी तरह में हम आए, उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि ये आपको अच्छा लगे तो इसको दूसरे को भी शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी इसमें कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।